गुड इवनिंग ऑल। तो गुड इवनिंग आर्शिद, रेणुका, अश्विनी, गुड इवनिंग जोशी, वैशाली, कामरादीन। हाँ, क्योंकि ओनली लाइव नो रिप्ले, इसलिए ये लेक्चर अवेलेबल नहीं है। गुड इवनिंग विनया, गुड इवनिंग श्रेयसी, जेनिफर, सुमन, ज्योति, सतारुता, नीला। यस, हरिओम। आप आईएफएस के नंबर पे कॉल करिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। गुड इवनिंग फातिमा, नेहा, वासीम, हिवानी, जीशान, वैष्णवी, रियाज, अलोक, आशा, दिया। वेरी गुड इवनिंग कविता, संजना, सुनील, बायोमेड साइंस हब, निशा, अंजुम, नेहा, प्राची, विवेक, अर्चना, दिगेंद्र। गुड इवनिंग ओमकार, शीतल, इप्तिशा। गुड इवनिंग कुलराम, रोहित, प्रकाश, राजीव सर, थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन राजीव सर। गुड इवनिंग ओमकार, मीर, ज्ञानी, वेरी गुड इवनिंग यामिनी, पिंकी, प्रियंका, रिधिमा, अरिजीत, तामिया, अनीशा। आप केयरफुली देख सकते हो, जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है वो आईएफएस के गेट 2020 के रिजल्ट्स है। आप भी इनमें से एक हो सकते हो अगर आप हमारा जो 5 सितंबर को बैच स्टार्ट होने वाला है उसको अगर आप ज्वाइन करते हो, तो आप भी इनमें से एक हो सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग अनीशा, सुरजीत, पीरू, अंजलि, तृप्ति, दिव्या, परवीन, लक्ष्मी। गुड इवनिंग गौरवी, लोने, कुमार, वेरी गुड इवनिंग सामिया। तो चलो जल्दी से जल्दी, आपको तो पता ही करना क्या है, आते ही लेक्चर का लिंक जो है जितनी जगह आप स्प्रेड कर सकते हो उतनी ज्यादा जगह पर इसको स्प्रेड करना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जहां पर कहीं पर भी आप इसको शेयर कर सकते हो जल्दी से जल्दी शेयर करो। हमें स्टार्ट करना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, इसका नाम है आइसोलेशन। अब हम टेक्निक जो बचा है हमारा, आइसोलेशन ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और उसके बाद हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, समझ रहे हो। गुड इवनिंग दिव्या, जानवी, एक बैच जो है गेट बायोटेक्नोलॉजी का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और जो नेक्स्ट बैच है जानवी गेट बायोटेक्नोलॉजी का, वो 5 सितंबर से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए या फिर एडमिशन लीजिए। गुड इवनिंग रिया, प्रिया, प्रियांशी, नीलम, नाफिया, आफशा, श्वेता, कृतिका, फरीदा, सुश्री। यस, वेरी गुड इवनिंग, लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स ग्लो टुगेदर। हमें करना है एक दिन, हम डेफिनेटली करेंगे। गुड इवनिंग शशि, प्रिया, ज्योति, हम पूरे वीक से बता रहे, नो रिप्ले ओनली लाइव। आपको अगर ये इन्फॉर्मेटिव लेक्चर कैच करने हैं तो आपको 6 o'clock यहाँ पर आना ही पड़ेगा इस YouTube चैनल के ऊपर, तभी आप इनका लाभ उठा सकते हो। गुड इवनिंग जयराम, आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। गुड इवनिंग शालू, रुकु, यस विकेंद्र, हेलो, हाउ आर यू विकेंद्र, इट्स बीन लॉन्ग टाइम कि आपसे बात नहीं हुई, आपसे मिले नहीं। चलो जल्दी से जल्दी जितनी जगह, ज्यादा जगह आप लिंक शेयर कर सकते हो वो करो, बी क्विक, हमें स्टार्ट करना है। जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, यस गुरुकन्या, हमारा कंबाइंड बैच भी है, कॉम्बो बैच भी है, जिसमें सीएसआईआर नेट प्लस गेट है, दोनों चीजें हैं। तो एक्सक्लूसिव
अपॉर्चुनिटी है फॉर गेट बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए, और वो क्या है आप यहां पर देख सकते हो, अप टू 1st September बैच हमारा 5th September स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अप टू 1st September आपको इसके ऊपर 25% ऑफ मिल सकता है। तो आप जल्दी से जल्दी जाके वहां पर क्या करो, रजिस्ट्रेशन करो। तो गुड इवनिंग चैताली, गुड इवनिंग विशाल सर, यस दिव्या, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो डेफिनेटली आपका अच्छे रैंक से गेट क्लियर हो सकता है, उसमें बिल्कुल भी कोई दोहरा नहीं है, बस आप हमारे साथ जुड़ जाओ, डेफिनेटली आपका बेटर तरीके से गेट क्लियर हो सकता है। गुड इवनिंग मुकु, सतद्रुता, अल्फा, बीटा, गामा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल लेक्चर टू योर फ्रेंड्स, सीनियर जूनियर्स, डेफिनेटली उनको बेनिफिट होगा। मोस्ट वेलकम विकेंद्र, यस अदिति, गुड इवनिंग प्रतिभा, वेरी गुड अभय, गुड इवनिंग श्रीनिवास, क्लियर है। तो आई थिंक इस टाइम में, इस कोविड के टाइम में, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती कि जो गेट बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस है उनके कोर्सेस में आपको 25% ऑफ मिल रहा है अगर आप 1st September से पहले अगर एडमिशन करते हो तो। ठीक है, यस और नो? गुड इवनिंग खुशबू, चलो जल्दी से जल्दी यहां पर लिंक को शेयर करो, बी क्विक। गुड इवनिंग मुदासिर, यस, गुड इवनिंग जागृति। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, कैरियर प्रोटीन्स एंड आयन चैनल्स। तो आई होप कि आपने कल जो है वो सारी चीजें पढ़ी होगी, कल का आपको समझ में आया होगा, तो उसके बाद हम आज का लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, अब तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है जल्दी से जल्दी फटाफट से वो लोग लाइक करो, क्योंकि हमारा रूल ही है, ये रूल बन चुका है, जब तक 300 लाइक्स नहीं होते तब तक हम लेक्चर स्टार्ट नहीं करते, ये आपको भी बताएं। मोस्ट वेलकम, मतलब मोस्ट वेलकम एलके, एंड ऑल्सो थैंक्स टू योर सपोर्ट, ऑल्सो आप लोगों का जो इतना सपोर्ट है इसके लिए हमें यहां से जो मोटिवेशन मिल रहा है बेटर तरीके का काम करने के लिए। यस, गुड इवनिंग प्रियंका, ओहम, प्रिंस, दानिश, यस संजू, गुड इवनिंग अभय, स्मिता, एनजी, वाई एनजी, टुमारो मॉर्निंग में क्लास क्यों चाहिए, हमारा कल का क्लास तो ऑलरेडी शेड्यूल है। ओके मीर, देखते एक बार, थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन अदिति। ठीक है, 290 लाइक्स हुए, स्टिल आई एम वेटिंग फॉर 10 मोर लाइक्स, देन ओनली आई विल स्टार्ट। यश, आशु, नेक्स्ट बैच जो है गेट लाइफ साइंसेस के वो 5th September से स्टार्ट हो गए, फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप 1st September से पहले एडमिशन करोगे तो डेफिनेटली आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। यस विकेंद्र, थैंक यू फॉर सच काइंड वर्ड्स। गीतांजलि सैनी, यू कैन कॉल इन IFS, यू विल गेट एवरी डिटेल ऑफ कोर्स, तो डेफिनेटली आप वहां पर कॉल करो, IFS में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, चलो, नाउ वी विल स्टार्ट।
ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यस 314 लाइक हो गए, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट है, हम कह रहे कैरियर प्रोटीन्स और पैसिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन हमें पता है हमारा कुछ जो पार्ट है वो थोड़ा सा कल का बचा है, तो पहले हम टेक्निक्स के साथ स्टार्ट करेंगे, जो बचे हुए टेक्निक्स है उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम कहां पर जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच एडवांस प्लांट साइंसेस। अभय पीडीएफ जो होगा आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा, www.ifsonline.com, यहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा। अभी तक अपलोड नहीं हुए, कल तक मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, तो जैसे ही अपलोड होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट हमारा आइसोलेशन ऑफ इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का आइसोलेशन हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अब किस तरीके से, कल हमने डिस्कस किया था कि टोटल प्रोटीन को कैसे आइसोलेट करना है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि पेरिफेरल प्रोटीन को कैसे आइसोलेट करना है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज आइसोलेशन ऑफ इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। अब इसके अंदर ली मिन हो या जितने भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप ये लेक्चर ऑफलाइन रखो ऑफलाइन रखो, जिस किसी भी लेक्चर के लाइक्स 1000 जाएंगे, मैंने आपको पहले भी कहा है और मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर 1000 लाइक्स आप करते हो तो वो लेक्चर यूट्यूब पे ही रहेगा, परमानेंट रहेगा, मैं वहां से बिल्कुल नहीं हटाऊंगा, ठीक है। तो 1000 लाइक कर दो, सिंपल तरीके से आपको लेक्चर यूट्यूब पर ही मिलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलो, तो आइसोलेशन ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर आपने अपने फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर नहीं किया है, फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये शेयर करो, क्योंकि ये रिपीट नहीं होने वाला है। या तो 1000 लाइक करो नहीं तो शेयर करो, दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। सो क्या करना है इसमें, हम यहां पर कहते हैं इसके अंदर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते आर ऑफन डिफिकल्ट टू प्यूरिफाई एंड स्टडी। मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब स्पेशली जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, दे आर डिफिकल्ट टू प्यूरिफाई एंड स्टडी, मोस्टली बिकॉज ऑफ देयर टाइट एसोसिएशन विद मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड अदर मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो लिपिड के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, और उसके आसपास साइड में कोई प्रोटीन हो तो उसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, और वहां पर उसका टाइट इंटरेक्शन होता है, इसकी वजह से इसको आइसोलेट करना थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। फिर भी हम इसको सक्सेसफुली आइसोलेट करते हैं, किस तरीके से उसको एक बार यहां पर देखते हैं। और दे आर रिमूवल ओनली बाय एजेंट दैट ओवरकम द हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। इनको तभी हम यहां से आइसोलेट कर सकते हैं, इन एजेंट को ऐसा कोई एजेंट हमें यहां पर यूज करना होगा जो कि हाइड्रोफोबिक इफेक्ट को क्या करे, ओवरकम करे, सच एज डिटर्जेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड डीनेचुरेंट्स। कॉमनली बायोलॉजी के अंदर हम मेम्ब्रेन प्रोटीन को आइसोलेट करने के लिए डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर डिटर्जेंट्स जो है क्या होते हैं, इसको हमने लिपिड्स के लेक्चर में भी थोड़ा डिस्कस किया था। डिटर्जेंट्स विच आर एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स, डिटर्जेंट जो है वो एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स है, दैट डिस्टर्ब्स द मेम्ब्रेन बाय इंटरगेटिंग इन टू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो डिटर्जेंट जो होते हैं वो एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल होते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल तरीके से हम कहते हैं कि यहां पर कोई एक नॉन पोलार पार्ट है और इसके अंदर कहीं पर ये पोलार पार्ट है, तो हम कह रहे हैं कि एम्पीपैथिक है, तो इसमें एक पार्ट जो होता है वो होता है पोलार और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है नॉन पोलार पार्ट। तो डिटर्जेंट एम्पीपैथिक नेचर के होते, लेकिन इससे आगे हमने जाके डिस्कस किया था कि नॉन पोलर पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पोलर पार्ट, ठीक है। तो पोलर पार्ट से नॉन पोलर पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। डिटर्जेंट काम किस तरीके से करता है, डिटर्जेंट क्या कर रहा है यहां पर मेनली देखो आप, इंटरकैलेटिंग इंटू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है उसके अंदर इंटरकैलेट करता है ये डिटर्जेंट, और मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करता है,
मेम्ब्रेन को सोलिबलाइज करता है और उसकी वजह से जो प्रोटीन्स है वो हम आइसोलेट कर पाते हैं। अब एग्जैक्टली ये मैकेनिज्म किस तरीके से होता है उसको हम थोड़ा सा यहां पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है यहां पर? नाउ यहां पर देख सकते हो कुछ टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स मैंने यहां पर दे रखे हैं। अब उनके एग्जांपल्स भी है और ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कैटायनिक डिटर्जेंट कौन सा है, एनायनिक डिटर्जेंट कौन सा है और नॉन आयनिक डिटर्जेंट कौन सा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हम कैटायनिक डिटर्जेंट की बात करें तो यहां पर हमारे पास है सी टैप, अगर एनायनिक डिटर्जेंट की बात करें तो हमारे पास है एसडीएस, ठीक है, और अगर नॉन आयनिक डिटर्जेंट है तो वो है टाइट्रॉन 100, टाइट्रॉन एक्स 100, ठीक है। नाउ ये जो आयोनिक डिटर्जेंट होते हैं और नॉन आयोनिक डिटर्जेंट होते हैं इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और स्ट्रक्चर के बाद हम यहां पर इसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो आप देख रहे हो आयोनिक डिटर्जेंट्स, वहां पर एक एग्जांपल आपको दिए थे, 2 एग्जांपल, एनायनिक का एसडीएस दिया था, कैटायनिक का जो था सी टैप दिया था। यहां पर आप देख रहे हो सोडियम डी ऑक्सीकोलेट और सोडियम डेडोसिल सल्फेट, ठीक है। अब ये डिटर्जेंट हमें जो आयोनिक है, और जो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट आपको यहां पर दिख रहे हैं उसमें से एक एग्जांपल जो है वो है ट्राइटॉन एक्स 100 और दूसरा है ऑक्टिल ग्लूकोसाइड। अब अगर हम कैटेगराइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ बात होगी। तो अगर आप मेम्ब्रेन के प्रोटीन को आइसोलेट करना चाहते हो, अब इसमें पर्पज आपका क्या है, अगर आप मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन है उसको आप नेटिव और फंक्शनल फॉर्म में आइसोलेट करना चाहते हो तो आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। यानी कि अगर आप नॉन आयोनिक डिटर्जेंट से ट्रीटमेंट देते हो मेम्ब्रेन को, फॉस्फोलिपिड के बायलेयर को, तो वहां पर प्रोटीन जो है वो नेटिव फॉर्म में आइसोलेट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप आयोनिक डिटर्जेंट का ट्रीटमेंट देते हो मेम्ब्रेन को तो प्रोटीन जो होते हैं वो आपको डीनेचर्ड फॉर्म में आइसोलेट हुए हुए दिखाई देंगे, मतलब वो अपने नेटिव स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का मेम्ब्रेन में वो लॉस्ट हो जाएगा अगर आप कोई भी यहां पर आयोनिक डिटर्जेंट यूज कर रहे हो, चाहे वो फिर पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर नेगेटिवली चार्ज हो। क्लियर है? नाउ यहां से आगे हम ये कहना चाहते हैं कि इसके अंदर अब यहां पर देख सकते हो क्या कह रहे हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से काम कर सकता है ये। तो इसमें हम सिंपली कह रहे हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन्स बोथ मोनोटॉपिक, कहां था, किसी एक साइड से ही लगे होंगे, जैसे साइटोसोलिक साइड से होंगे या फिर एक्सोप्लाज्मिक साइड से होंगे, मोनोटॉपिक असोसिएटेड विद वन लीफलेट, या फिर पॉलीटाइपिक ट्रांसमेम्ब्रेन, ठीक है, कैन बी एक्सट्रैक्टेड विद डिटर्जेंट्स विच डिस्टर्ब्ड, देखो डिटर्जेंट क्या कर रहा है, देखो विच डिस्टर्ब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन विद द लिपिड बायलेयर एंड फॉर्म मिसेल लाइक क्लस्टर्स अराउंड इंडिविजुअल प्रोटीन मॉलिक्यूल। हम कहते हैं कि जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, अगर आप डायग्रामेटिक देखोगे यहां पर ये मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के अंदर अगर कोई इंटीग्रल प्रोटीन है तो ये प्रोटीन जो है ये इस लिपिड के बायलेयर में मेनली कौन से इंटरेक्शन से आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पर लिपिड के हाइड्रोफोबिक कोर में जो बायलेयर है उसके हाइड्रोफोबिक कोर में मेनली कौन से इंटरेक्शन होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होते हैं। अब वो इंटरेक्शन तोड़ने के लिए हम यहां पर किसका यूज कर रहे हैं, डिटर्जेंट का यूज कर रहे हैं। तो क्लियरली हम कह रहे डिटर्जेंट जो है विच डिसरप्ट हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन विद द लिपिड बायलेयर एंड फॉर्म मिसेल लाइक क्लस्टर्स। जरूरी नहीं कि हर बार मिसेल लाइक क्लस्टर्स वहां पर बने, ठीक है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं, लेकिन मिसेल लाइक क्लस्टर बन सकते। अब इसमें भी बहुत सारी डिटेल वाली बात है, वो क्रिटिकल मिसेल कंसेंट्रेशन CMC वो हमें डिस्कस नहीं करना है। हमारा मेन पर्पज है, किसी भी एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रल प्रोटीन को किस तरीके से आइसोलेट करना है, तो आप सिर्फ सॉल्ट ट्रीटमेंट से इंटीग्रल प्रोटीन को आइसोलेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डिटर्जेंट यूज करना पड़ेगा।
क्लियर है यहां तक, समझ रहे हो आप? ठीक है, थैंक यू सो मच दादा सर, थैंक्स अ लॉट द नीलेश सर, क्लियर यहां तक? तो इसके बाद ये जो आयोनिक डिटर्जेंट से बाइंड टू द एक्सपोज्ड हाइड्रोफोबिक रीजंस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन एज वेल एज टू द हाइड्रोफोबिक कोर्स ऑफ वॉटर सोल्यूबल प्रोटीन्स। अब हम क्या कह रहे हैं यहां पर, क्लियरली देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो आयोनिक डिटर्जेंट होते हैं, आयोनिक मतलब कौन से, चार्ज डिटर्जेंट, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिवली चार्ज हो, जो चार्ज डिटर्जेंट होते हैं, आयोनिक डिटर्जेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, क्लियरली कहा है यहां पर देखो, आयोनिक डिटर्जेंट क्या करते हैं, किसको बाइंड कर रहे हैं, एक्सपोज्ड हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, किसको, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन का एक्सपोज्ड हाइड्रोफोबिक रीजन है उसको बाइंड कर रहे हैं, एज वेल एज टू द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ वाटर सोल्यूबल प्रोटीन। ठीक है, जो वाटर के अंदर सोल्यूबल प्रोटीन है उसका जो हाइड्रोफोबिक कोर है उसको भी बाइंड कर सकते हैं। अब ये हमने थ्योरेटिकल देखा, यहां पर समझने की कोशिश की, आपका और ज्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट जब आप यहां पर डायग्रामेटिकली इसको देखोगे। अब डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन हम इसका दे रहे हैं तो यहां पर इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या कह रहे, बिकॉज ऑफ देयर चार्ज दिस डिटर्जेंट्स कैन डिस्टर्ब आयोनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। चार्ज की वजह से ये आयोनिक या हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर सकते, डिस्टर्ब कर सकते, किस तरीके से कर सकते हैं उसको भी हम यहां पर देखेंगे। हम कह रहे कि अगर हाई कंसेंट्रेशन में एसटीएस दे, सोडियम डाइड्यूसिल सल्फेट दे, फॉर एग्जांपल कंप्लीटली डीनेचर्ड प्रोटीन्स बाय बाइंडिंग टू द एवरी साइड चेन, जो प्रोटीन है और उस प्रोटीन को हम कह रहे कि मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन की जो साइड चेन है जो लिपिड के हाइड्रोफोबिक टेल के साथ इंटरेक्ट करती है, अगर हम वहां पर डीनेच मतलब हम वहां पर कोई डिटर्जेंट दे रहे तो वो डिटर्जेंट जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है किससे, प्रोटीन के एवरी साइड चेन से इंटरेक्ट कर रहा है और इसकी वजह से प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको डीनेचर्ड कर रहे हैं वहां पर। लेकिन अगर कोई नॉन आयोनिक डिटर्जेंट वहां पर होगा तो वो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट जो है प्रोटीन को नेटिव फॉर्म में आइसोलेट करके देगा आपको। क्लियर है? नाउ यहां से हम कह रहे हैं कि जो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स जनरली डू नॉट डीनेचर प्रोटीन्स एंड आर दस यूजफुल इन एक्सट्रैक्टिंग प्रोटीन इन द फोल्डेड एंड एक्टिव फॉर्म फ्रॉम द मेम्ब्रेन बिफोर द प्रोटीन्स आर प्यूरिफाइड। यही तो कह रहे हैं ना कि जो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो प्रोटीन को नेटिव फॉर्म में प्यूरिफाई करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप आयोनिक डिटर्जेंट दोगे तो ऐसा नहीं होगा, ये हमने बार बार रिपीट किया। एक सिंपल सा काम आपको करना है, इतना प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है कि डिटर्जेंट करता क्या है और कैसे करता है उसको और एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डिटर्जेंट की मेनली दो टाइप होते, एक आयोनिक होते और एक नॉन आयोनिक होते। अब आयोनिक में आप देख सकते हो कैटायनिक है और एक एनायनिक है, तो उसका एग्जाम्पल, और प्लस जो नॉन आयोनिक है उसका एक एग्जाम्पल। एक एक एग्जाम्पल अगर आप याद रखोगे तो डेफिनेटली किसी भी एग्जाम में अगर आप देखोगे तो मेम्ब्रेन प्रोटीन आइसोलेशन के बारे में एक आधा क्वेश्चन तो वहां पर आता ही है, तो उसके लिए आपको वहां पर हेल्प होगी। प्लस इंटरव्यू के अंदर भी ये क्वेश्चन जो होते बहुत कॉमन होते, तो आपको डेफिनेटली वहां पर भी हेल्प होगी। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट जो है यहां पर हम क्या कह रहे हैं, ये देखो किस तरीके से हमें यहां पर ये डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, पहले भी निकालता, और डिटर्जेंट के स्ट्रक्चर में ये आपको नॉन पोलर पार्ट दिख रहा है और ये पोलर पार्ट दिख रहा है, और ऐसा डिटर्जेंट का हमने ट्रीटमेंट दिया। अब ये डिटर्जेंट है और इसमें देख रहा है कि एक हाइड्रोफिलिक ग्रुप है और एक हाइड्रोफोबिक टेल है, और ये हाइड्रोफिलिक ग्रुप को और डिटेल में दिखाया, हाइड्रोफोबिक टेल को और डिटेल में दिखाया। तो बेसिकली यहां पर मैं आपको डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर दिखा रहा हो। क्लियर है? नाउ अब इस डिटर्जेंट से अगर हम एक मेम्ब्रेन को ट्रीट करें, ठीक है, अब ये जो प्रोटीन आपको दिख रहा है यहां पर, ये प्रोटीन आपको आइसोलेट करना है, इस मेम्ब्रेन प्रोटीन को आपको क्या करना है, आइसोलेट करना है। अब इसको आइसोलेट करना है तो आपने क्या किया, डिटर्जेंट
प्लस ये जो मेम्ब्रेन थी उस मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन था वहां पर हमने इसको ये दोनों को साथ में रखा। अब यहां पर जब हमने साथ में रखा तो अब नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या आया, देखो हम क्या कह रहे हैं, डिटर्जेंट का जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है ये वाला, ये जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो प्रोटीन का जो इतना हिस्सा मेम्ब्रेन के अंदर था, ये देखो इतना वाला पोर्शन जो है प्रोटीन का इतना वाला पोर्शन तो बाहर है, ये वाला पोर्शन भी बाहर है, तो ये वाला पोर्शन बाहर है, ये वाला पोर्शन बाहर है। एक्चुअल में जो हमारा इतना रीजन था कौन से वाला, ये वाला रीजन था, यही रीजन कहां पर था, ये मेम्ब्रेन के अंदर यहां पर एम्बेडेड था। और वो किससे इंटरेक्ट कर रहा था, वो जो लिपिड्स थे उन लिपिड्स के हाइड्रोफोबिक जो चेन थी उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा था। अब हमने क्या किया, डिटर्जेंट की कंसेंट्रेशन को बहुत ज्यादा किया, डिटर्जेंट को हमने वहां पर डाला, तो डिटर्जेंट ने अब क्या किया, इस प्रोटीन के इस हिस्से के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और इसकी वजह से अब जो मेम्ब्रेन थी वो मेम्ब्रेन जो है वो सोल्युबलाइज हो जाएगी। इसकी वजह से नहीं कि डिटर्जेंट जो है वो मेम्ब्रेन के प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड या लिपिड्स होते उनके साथ भी इंटरेक्ट करेगा। कैसे, आपको वो नेक्स्ट डायग्राम में दिखेगा, आप यहां पर देख सकते हो, ये देखो यहां पर और एक डायग्राम है आपको दिख रहा है, ये कोई इंटीग्रल प्रोटीन है यहां पर देखो, और ये जो प्रोटीन है ये कौन सा प्रोटीन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ये जो प्रोटीन आपको दिख रहा है ये जो प्रोटीन है कौन सा, इसको नाम देता हूं मैं, सपोज इसको मैंने ए नाम दिया और इसको मैंने बी नाम दिया, तो ए प्रोटीन कौन सा है और बी प्रोटीन कौन सा है, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ ए प्रोटीन कौन सा है और बी प्रोटीन कौन सा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच रोशनी जी, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, यहां पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ए प्रोटीन कौन सा है, इंटीग्रल है या पेरिफेरल है, और बी प्रोटीन कौन सा है, या दोनों भी इंटीग्रल है या दोनों ही ए की प्रोटीन है, तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ए इज पेरिफेरल, यस अलोक ए इज इंटीग्रल, ए पेरिफेरल, ए इंटीग्रल, वेरी गुड, बी पेरिफेरल, वेरी गुड स्नेहल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड शुभम, यस सतद्रुता, वेरी गुड, यस आरती, वेरी गुड, वेरी गुड ज्योत्सना, बहुत बढ़िया, यस पिंटू, वेरी गुड फातिमा, बहुत बढ़िया अनिल, ठीक है समझ में आ गया है, वेरी गुड नई जेनिफर, उल्टा हो गया, ए जो है वो इंटीग्रल होना चाहिए और बी जो है वो पेरिफेरल होना चाहिए, क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड लोने समरीन, बहुत बढ़िया, यस निशा, वेरी गुड। अब देखो आपको पता है ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है, इस पेरिफेरल प्रोटीन को और ये जो आपका इंटीग्रल प्रोटीन है, तो जो पेरिफेरल प्रोटीन है हमें पता है अगर पीएच में चेंज किया, कोई चिलेटिंग एजेंट यूज किया, यूरिया कार्बोनेट, तो भी आपका पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो यहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि मेनली वो किसके साथ, मतलब कौन से इंटरेक्शन के साथ वहां पर जुड़ा होता है, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के साथ जुड़ा होता है। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन इतना करने से काम चलता है, लेकिन ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, अब ये इंटीग्रल प्रोटीन जो कि पॉलीटाइपिक है और ये मोनोटाइपिक है, मोनोटोपिक और ये पॉलीटोपिक, तो मोनोटोपिक हमें पता है एक लीफलेट में होता है, पॉलीटोपिक पूरा क्रॉस करता है। अब इनको आइसोलेट करने के लिए आपको डिटर्जेंट का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब देखो अभी जो है ये प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की टेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये लिपिड जो है मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड होंगे या बाकी लिपिड होंगे, उन लिपिड्स की टेल के साथ ये प्रोटीन यहां पर क्या कर रहा है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शो कर रहा है। अगर आप यहां पर डिटर्जेंट का ट्रीटमेंट देते हो, यहां से डिटर्जेंट ट्रीटमेंट दो, अब डिटर्जेंट क्या करेगा, खुद जाके उस प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक पोर्शन के साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब ऑलरेडी जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन प्रोटीन का था जो लिपिड के नॉन पोलर पोर्शन से इंटरेक्ट कर रहा था, उसका इंटरेक्शन अब टूटेगा क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो जाके अब प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक कोर के साथ इंटरेक्ट करेगा और ये प्रोटीन जो है ऐसे बाहर आएंगे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारी कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, अभी भी हमें और आगे जाके हम क्या कह रहे हैं, एक डायग्राम में हम देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हो कैसे रहा है। तो
तो ये इस तरीके से यहां पर हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये हमने डिटर्जेंट का ट्रीटमेंट दिया, तो डिटर्जेंट का ट्रीटमेंट देने के बाद प्रोटीन देखो आप किस फॉर्म में आइसोलेट हो रहा है। प्रोटीन जो आइसोलेट हो रहा है यहां पर, ये मिसेल्स का स्ट्रक्चर बन गया ना। याद है आपको मिसेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता था, जिसके पास एक सर और एक टांग है वो मिसेल्स बनाते हैं, हमने डिस्कस किया था। वन हेड और वन टेल वो क्या बनाता है, मिसेल्स, और बीच में यहां पर क्या होता है, एयर होता है। तो ये प्रोटीन है अब यहां पर, तो मिसेल्स भी बन सकती है और मिसेल्स नहीं भी बन सकती, ठीक है। दोनों तरीके से यहां पर प्रोटीन आइसोलेट हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका डिटर्जेंट का कंसंट्रेशन कितना है। अब आप कह रहे हो कि सर ठीक है कि ये जो डिटर्जेंट है वो प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो है जहां पर जितने भी होंगे उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मेम्ब्रेन कैसे सोल्युबलाइज हो रही है। ध्यान से इस डायग्राम को देखो आप, इंटेंशनली डायग्राम यहां पर लाया गया है। ये डिटर्जेंट जो है इस साइड से डिटर्जेंट है, इस साइड से डिटर्जेंट है, और बीच में मेम्ब्रेन का लिपिड है। मतलब यहां पर अगर ये लिपिड और ये लिपिड दोनों साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर सोचो आप इस लिपिड के, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, इस लिपिड के यहां पर अगर डिटर्जेंट आ गया ये वाला, और इसके साइड से ये डिटर्जेंट आ गया, अब इसके दोनों साइड से डिटर्जेंट आ गया, तो अब ये जो लिपिड था, ये लिपिड इसके साथ भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा है और इस लिपिड के साथ भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो लिपिड इसका इंटरेक्शन यहां पर क्या हो रहा है, डिटर्जेंट तोड़ रहा है। तो इसकी वजह से पूरी मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगी, सोल्युबलाइज हो जाएगी यहां पर। तो समझ रहे हो, डिटर्जेंट जो है वो प्रोटीन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है और डिटर्जेंट जो है मेम्ब्रेन लिपिड से उनके साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। इसकी वजह से हम कहते हैं कि डिटर्जेंट जो है वो मेम्ब्रेन को सोल्युबलाइज करता है, और यहां पर इस तरीके से हमें प्रोटीन का आइसोलेशन, जो मेनली इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं उनका आइसोलेशन हम यहां पर कर रहे हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम आइसोलेट करते हैं, ठीक है। यहां पर समझ में आ गया। तो हमने मेनली पढ़ा टोटल प्रोटीन कैसे आइसोलेट करने, फिर हमने डिस्कस किया पेरिफेरल प्रोटीन को कैसे आइसोलेट करना है, और फिर हमने डिस्कस किया इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को किस तरीके से आइसोलेट करना है, और हमारी सेल मेम्ब्रेन से जितनी भी मेजर टेक्निक्स थी उसको हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन आपका है, जल्दी से कमेंट करके यहां पर आप बता सकते हो, ठीक है। इतना पूरा सिलेबस जो होगा गेट का वो वन मंथ बिफोर ऑफ एग्जाम, मतलब फरवरी में अगर आपका एग्जाम है तो जनवरी के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में ही आपका सिलेबस होगा, और उसके बाद एक महीने में आपके कुछ मॉक टेस्ट होंगे, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, आपको गाइड किया जाएगा किस तरीके से पढ़ना है उसके लिए, ठीक है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा मिसेल्स क्रॉस सेक्शन इज मोर, ओके क्या चल रहा है आपका, ठीक है। यस चेतन मेहता, आई वांट टू नो अबाउट गेट टेस्ट साइंस गेट, यस कॉल करिए आप, जो आपको नंबर दिया गया है कमेंट में उसको कॉल करिए। यस प्रियंका वेरी गुड, तो जल्दी से कोई डाउट है तो पूछो। यस गुरु कन्या, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक जो है वो ऑफनली पूछी नहीं जाती, इसकी वजह से हम उसको इतना यहां पर इंपॉर्टेंस नहीं देते। थैंक यू सो मच सुश्री फॉर अप्रिशिएशन, वेरी गुड। प्रकाश कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। रेणुका बहुत बढ़िया, यस वेरी गुड। अंजलि, यस राजेश, उसी को तो पढ़ा अभी, प्रोटीन को कैसे आइसोलेट करते हैं उसको तो पढ़ा, और बाकी जो आगे टेक्निक्स होगी आप उसको बायोकेमिस्ट्री में देख लोगे। क्लियर सा थोड़ा, वेरी गुड। आर्षित, पैच क्लैम जो है वो यहां पर नहीं आती, फ्रीज फ्रैक्चर जो है वो भी यहां पर इतना हम इंपॉर्टेंस नहीं देते उसको, वो किसी और टॉपिक में कवर होती है। अगर सेल मेम्ब्रेन से कोई टेक्निक्स है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आने की चांसेस होती है, वो सारी टेक्निक्स मैंने कवर कर ली है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, इससे और डिटेल में क्वेश्चन यहां पर नहीं आएगा, मतलब आने की चांसेस जो है वो कम है। नहीं, उसके अलावा और कोई यहां पर फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। यस कोई डाउट नहीं फारिया, वेरी गुड। यस वेरी गुड अदिति,
नहीं राजू, पोलर पार्ट नहीं, डिटर्जेंट जो है वो एम्पीपैथिक है और उसका नॉन पोलर पार्ट है वो इंटेक्ट करेगा. क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा चलो एक बार लाइक कर दो. जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लोग जल्दी से जल्दी लाइक करो लेक्चर को, बी क्विक. तो टारगेट रखते 500 का, ठीक है? प्रतीक, सीएमसी का मतलब होता है क्रिटिकल मिसेल्स कंसेंट्रेशन. अगर सीएमसी से ज्यादा आप वहां पर डालोगे डिटर्जेंट तो मिसेल्स फॉर्म होंगे, और कम डालोगे तो मिसेल्स फॉर्म नहीं होंगे. यस उत्तरा, आगे कभी पब्लिसिटी लेक्चर में हम वहां पर करेंगे, ठीक है? यस सारी का बता दिया है, मिसेल्स जो है क्रिटिकल मिसेल्स कंसेंट्रेशन, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया. चलो बी क्विक, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, 500 कर दो क्रॉस, बी क्विक. क्लियर यहां तक? चलो संदीपान, कंसेंट्रेशन ऑफ सीएमसी का मतलब होता है अगर आप डिटर्जेंट को क्रिटिकल मिसेल कंसेंट्रेशन, जो एक कुछ हम हमारे पास एक वैल्यू होगी, रेफरेंस वैल्यू होगी, अगर उससे ज्यादा रखते हैं तो प्रोटीन जब आइसोलेट होंगे तो वहां पर क्या फॉर्म होंगे, मिसेल्स फॉर्म होंगे. अगर उससे कम रखते हैं तो वहां पर मिसेल्स यूजुअली फॉर्म नहीं होते. थैंक यू रेनुका, थैंक यू सो मच सागर सर बायोलॉजी ट्यूटोरियल. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मिलियंस, एटलीस्ट 1000 हो, दैट इज मोर देन इनफ. ओके हाँ यस, उसको भी करेंगे आगे. चलो बहुत बढ़िया, सबको अच्छे से समझ में आए, ठीक है? तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. यहां तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, बहुत बढ़िया. चलो यहां तक सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. क्लियर? सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन. एक चीज मैं आपको बताता हूं स्टार्टिंग में, जब मैं ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर रहा हूं, एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया, वी आर डन विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारा है वो टॉपिक हमारा बेसिकली खत्म हो गया, ठीक है? अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले ट्रांसपोर्ट, अगर आप इसको मिस करोगे, मतलब आपको एक लेक्चर आपने मिस किया या 15-20 मिनट मिस किया, 10 मिनट मिस किया, तो आपको आगे के लेक्चर का लिंक वहां पर नहीं लगेगा. तो इसलिए ट्रांसपोर्ट जो है अब स्टार्टिंग से कॉन्टिन्यूसली उसको जो है वो ध्यान से सुनिए, पढ़िए, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा. तो ध्यान से मन लगा के पढ़िए, कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है? क्लियर यहां तक? तो चलो अब हम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन स्टार्ट करते हैं. तो अच्छे से यहां पर समझने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए. क्लियर है? चलो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, ठीक है? अब ये एक मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, क्लियर है? एक मेम्ब्रेन आपको यहां पर दिख रही है. अब इस मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम यहां पर ये कह रहे कि आउटसाइड है और ये इनसाइड है, चलो इसको हम साइटोसोल नाम देते हैं, ठीक है? अब आपका क्लियर है साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म, बिल्कुल, इसलिए हमने इसको साइटोसोल नाम दिया, ठीक है यहां तक? अब फर्स्ट चीज आपको यहां पर देखने को मिलती है कि जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो सकता है इन टू आउट और आउट टू इन, मॉलिक्यूल दोनों तरीके से जा सकते हैं, सेल्स के अंदर से बाहर भी जा सकते हैं और बाहर से अंदर आ सकते हैं. तो इसके कई सारे तरीके हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर एक डिस्कस कर ले तो हम कह रहे कि सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, क्लियर है? जैसे नॉन पोलर कंपाउंड से ओनली डाउन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है? डाउन का मतलब होता है जहां पर ज्यादा है उस ज्यादा वाली जगह से जहां पर कम है उस जगह वाले जा रहा है उसको हम कहते हैं डाउन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. अब एक समरी जो है ट्रांसपोर्ट की मैं आपको दिखा रहा हूं, तो अभी के लिए क्वेश्चन मत पूछिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले पूरी समरी पढ़िए और समरी पढ़ने के बाद हम एक एक चीज के ऊपर डिटेल में आएंगे. हम पहले कह रहे कि सिंपल डिफ्यूजन जो कि सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का हो सकता है और समटाइम्स थोड़े पोलर मॉलिक्यूल है वो भी हो सकते हैं वहां पर, कैसे उसको डिस्कस करते हैं और ये कैसे होगा डाउन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. नेक्स्ट जो है
वो है फैसिलेटेड डिफ्यूजन. अगेन इट इज डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. और जो भी यहां पर प्रोसेस डाउन द ग्रेडियंट है उनको वहां पर एनर्जी नहीं लगेगी, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी. अब फैसिलेटेड डिफ्यूजन मतलब क्या, कोई ऐसी चीज जिसके लिए मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है तो उसके लिए हम कोई मेम्ब्रेन के अंदर एक ट्रांसपोर्टर लगा रहे ताकि उस ट्रांसपोर्टर से हम अंदर जाए, उस पर्टिकुलर चीज को हम अंदर जाए. समझ रहे हो, जैसे हमारा जो घर है उस घर की जो दीवार है हमारे लिए परमिएबल नहीं है. कभी दीवार से अंदर जाने की कोशिश की है, कभी नहीं जा पाओगे. ठीक है, एंटीनालिस अगर हम घोस्ट ना बन जाए, घोस्ट तो दिखते हैं हमें मूवी में जो अंदर वार करते दीवार से. इसलिए हमने वहां पर क्या लगाया है, ट्रांसपोर्टर लगाया. जैसे हमारा डोर है, दरवाजा जो है घर का वो हमारा ट्रांसपोर्टर है, उससे हम अंदर आ सकते बाहर आ सकते. ठीक है, तो इसलिए हमने ट्रांसपोर्टर लगा दिया. देन नेक्स्ट जो है हम कह रहे कि सिंपल डिफ्यूजन, तो वहां पर हमें जरूरत नहीं है किसकी, ट्रांसपोर्टर की. वो अक्रॉस लिपिड बैरियर हो सकता है, लेकिन अगर कोई स्पीसीज के लिए, कोई मॉलिक्यूल के लिए, कोई आयन के लिए अगर मेम्ब्रेन इम्परमीबल है तो उसको अंदर लिया जा सकता है, उसको बाहर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टर लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट हम कह रहे हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एंड इट इज ड्रिवन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी. देखो आप एटीपी को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, एडीपी प्लस पीआई, और यहां पर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं लेकिन अगेंस्ट द ग्रेडियंट. मतलब क्या, ऑलरेडी यहां पर कंसेंट्रेशन जो है हाई है और यहां पर क्या है लो है. हम कह रहे हैं लो से अगर आपको हाई की तरफ भेजना है तो ये क्या है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट. लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर क्या है ऑलरेडी हाई है और यहां पर क्या है लो है. तो यहां पर हाई से कहां पर जा रहे, लो जा रहे, इसलिए ये डाउन द ग्रेडियंट. यहां पर ऑलरेडी लो है और लो से जब आप हाई जा रहे हो जा सकते, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते, यहां से भी जा सकते, बट ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो गया. इसके लिए यहां पर आपको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी. समझ रहे हो, देन इसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और एक आता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगेन इट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बट ड्राइवन बाय आयन मूविंग डाउन इट्स ग्रेडियंट. अब यहां पर क्या होगा, दो चीजें दिख रही है आपको, यहां पर एक आयन है जो अंदर जा रहा है और यहां पर दूसरा कोई एक मॉलिक्यूल है वो भी अंदर जा रहा है. अब दोनों भी चीजें एक ही साइड में जा रही है, लेकिन ध्यान रहे एक जो होगा वो अलोंग द ग्रेडियंट जाएगा और एक जो होगा वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाएगा. ठीक है, दोनों भी चीजें यहां पर कभी, यहां पर स्पेशली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दोनों भी चीजें कभी भी अलोंग द ग्रेडियंट नहीं जा सकती. एक को जाना पड़ेगा अलोंग द ग्रेडियंट, उससे जो एनर्जी निकलेगी उसको यूटिलाइज करेंगे दूसरे को अगेंस्ट द ग्रेडियंट भेजने के लिए. समझ रहे हो यहां पर, तो हम क्या कह रहे हैं, दो यहां पर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक का अलोंग हो रहा है और एक का अगेंस्ट. आगे जाके इसको फुल हम इलेबरेट करेंगे, इसके ऊपर एम्फेसाइज करेंगे. अभी के लिए बस इतना समझो कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है कि ऑलरेडी कोई एक ट्रांसपोर्ट हम करवाते हैं उससे जो एनर्जी निकलेगी उसको हम दूसरे मॉलिक्यूल को अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं. अलोंग द ग्रेडियंट का मतलब ही होता है डाउन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, अगेंस्ट का मतलब होता है कि आप लो से हाई जा रहे हो. ठीक है, हम कहते हैं ना ये इसके अगेंस्ट गया. अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, 100 लोग एक साइड थे और एक ही अकेला इस साइड था, फिर भी 100 लोगों के अगेंस्ट गया. ठीक है, ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास बहुत सारी एनर्जी होनी चाहिए, बहुत सारा पैसा होना चाहिए. ठीक है, अब ज्यादा इलेबरेट नहीं करेंगे. आयन चैनल डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मे बी गेटेड और लिगेंड और आयन. अब इसमें हम कह रहे हैं कि कुछ आयन चैनल्स है और वो आयन चैनल जो है उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है और यहां पर मेनली हम कह रहे हैं डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. इसका मतलब ये कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए. क्लियर है, देन नेक्स्ट जो है हमारा वो है आयनोफोर मीडिएटेड आयन ट्रांसपोर्ट. अगेन इट इज डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. ये देखो किस तरीके से कोई एक मॉलिक्यूल है जो आयन को अपने अंदर ले रहा है और फिर इसको अंदर छोड़ रहा है और फिर ये बाहर आ रहा है. मतलब ऐसा कोई व्हीकल है जो अपने अंदर आयन को बिठाता है
मेम्ब्रेन के थ्रू पास करवाता है और फिर उसके बाद उसको वापस आता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आइनोफोर। जैसे हम जब रोड पे चलते हो तो हमें कई सारे आइनोफोर्स दिखाई देते हैं, और स्पेशली रोड पे जो बहुत कम दिखाई देते, मूवीज में बहुत सारे आइनोफोर्स हमें दिखाई देते। कोई एक अंधा इंसान होता है, उसको रोड क्रॉस करना होता है, उसको जमता नहीं है, ठीक है, वो डरता है, तो सामने से कोई एक अच्छा इंसान होता है, वो उसका हाथ पकड़ता है, उसको रोड के उस साइड पहुंचाता है और फिर वापस वो अपनी जगह पर आता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, आइनोफोर। क्लियर है? यहां पर तो एक सिंपल सा एग्जांपल है। अब ये हमने समरी डिस्कस किया, अब एक्चुअल में हम हर चीज को यहां पर डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस आयंस। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन में। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? पैसिव ट्रांसपोर्ट में कभी भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती। ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कभी आप हाई प्लेस पे गए हो, और मतलब जब बचपन में आप स्कूल में जाते थे बाइसिकल लेके, ठीक है, और जहां पर कहीं भी ज्यादा ऊंचाई थी और वहां से आप जब जाते थे तो आपको पैडल मारने की जरूरत नहीं थी, आप बस वहां पर साइकिल पे बैठे हुए पैडल नहीं मारे हो, अपने आप से साइकिल क्या जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक है, तो वहां पर आपको एनर्जी की जरूरत नहीं। लेकिन जब वापस हमें उसी रास्ते से ऊपर जाना है, हमें बहुत सारे पैडल मारने पड़ते थे, उसके लिए हमें एनर्जी यूज करनी होती है। जब हम अगेंस्ट जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी को लगाना पड़ता है, और जब हम अलोंग चलते हैं तो हमें एनर्जी वहां पर मिलती है। तो बेसिकली ज्यादा मूव नहीं करते इधर उधर, सिंपल फोकस टॉपिक को करते। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है, यहां पर ये प्रोसेस जो है पैसिव है। क्या होता है पैसिव प्रोसेस, इसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। अब ये सिंपल सा आपको लिपिड का बाइलेयर दिख रहा है, ये जो ही है ये लिपिड का बाइलेयर है, ठीक है। अब यहां से कोई मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल अक्रॉस द बाइलेयर जा रहा है। सबसे पहली चीज, ऐसा जा रहा है तो ये मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी नॉन पोलर, क्योंकि लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके कोई जा रहा है तो कौन जा सकता है, वो नॉन पोलर, क्योंकि ये जो होता है ये पोर्शन कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन इजीली क्रॉस लिपिड बाइलेयर। लेकिन यहां पर आप एक चीज देख रहे हो, ये जो मॉलिक्यूल्स है यहां पर हाई कंसेंट्रेशन है मॉलिक्यूल की, और यहां पर मॉलिक्यूल की क्या है, लो कंसेंट्रेशन। तो मॉलिक्यूल कहां से कहां पर मूव कर रहे हैं, हाई टू लो कंसेंट्रेशन अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर। इसको हम क्या कहेंगे, यहां पर हम इसको कहेंगे डिफ्यूजन, और ये डिफ्यूजन जो है वो दो तरीके का होता है, एक हो सकता है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा हो सकता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो उसमें से आपको जो दिख रहा है यहां पर ये है सिंपल डिफ्यूजन। ये कौन सा है, सिंपल डिफ्यूजन, और सिंपल डिफ्यूजन का मतलब है कि ये अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर यहां पर जा रहा है कोई मॉलिक्यूल उसको क्रॉस करके। डिफ्यूजन का अगर आपको कोई एक बढ़िया सा डेफिनेशन यहां पर लिखना है तो सिंपल सी चीज है, आप यहां पर आप देख सकते हो, मूवमेंट ऑफ आयंस गैसेस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। हम क्या करें, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स स्पेशली गैसेस आयंस सॉल्यूट्स फ्रॉम इट्स द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन, जो हाई कंसेंट्रेशन से मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं कहां पर, लो कंसेंट्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। और ये मूवमेंट कब तक होगा, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा, मूवमेंट कब तक होगा, मूवमेंट तब तक होगा जब तक दोनों साइड में इक्विलिब्रियम नहीं आता, मतलब दोनों साइड में बराबर नहीं होता, तब तक यहां पर क्या होता रहेगा, मूवमेंट होता रहेगा, इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। समझ रहे हो, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता। क्लियर है? अब इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया क्या, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। इसमें अगर आपको देखना है तो आप और एक तरीके से इसको आप ऐसे दिखा सकते हो कि देखो यहां पर ज्यादा है, तो उसको दिखाने का और एक तरीका होता है, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ये अगर आप ऐसा लगा रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मेम्ब्रेन के इस साइड पर ज्यादा पोर्शन दिख रहा है और मेम्ब्रेन के इस साइड पे कम पोर्शन दिख रहा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है, ज्यादा है, और यहां पर क्या है, कम है, और इसके लिए यहां पर क्या बना हुआ है, ग्रेडियंट बना हुआ है। समझ रहे हो आप,
ग्रेडियंट किसे कहते हैं? एक मेम्ब्रेन के, एक मेम्ब्रेन सपोज, और मेम्ब्रेन की एक साइड में किसी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है और मेम्ब्रेन की दूसरी साइड में किसी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है, तो एक साइड में ज्यादा एक साइड में कम, तो वहां पर क्या बन चुका है? वहां पर ग्रेडियंट बन चुका है। और डिफ्यूजन होने के लिए ऐसा ग्रेडियंट होना चाहिए, समझ रहे हो? तो ग्रेडियंट तो यहां पर भी बन चुका है, मतलब क्या, अब देख रहे हो यहां पर ग्रेडियंट यहां पर बन चुका है, यहां से मैं हूं अकेला हूं और मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं अकेला ही हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन वहां पर सुनने वाले जो व्यूअर्स है, जितने भी लोग लाइव हुए, 380 लोग अभी मुझे लाइव दिख रहे, तो एक साइड पे एक जन ही है और एक साइड पे बहुत सारे लोग है, तो क्या हो गए यहां पर एक तरीके का ग्रेडियंट बना है। लेकिन ये ग्रेडियंट कैसा बना है? ये ग्रेडियंट नंबर ऑफ पीपल का बना है, नंबर ऑफ पीपल्स, यहां पर एक ही इंसान है और वहां पर 380 लोग है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर ग्रेडियंट जो है पढ़ाने वालों का बना है, दो अलग चीजें, यहां पर एक पढ़ाने वाला है और वहां पर पढ़ने वाले है, तो इसको हम ग्रेडियंट नहीं कहेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर हम यहां पर ऐसे कहते हैं कि दोनों साइड पे जो चीज कंपेयर कर रहे हैं वो सेम होनी चाहिए, ठीक है? अगर ऊपर आप यहां पर, अगर आप ऊपर गुलाब जामुन को कंसिडर कर रहे हो ना, तो आपको नीचे भी आपको गुलाब जामुन को ही कंसिडर करना है। यहां पर रसगुल्ला आप कंसिडर नहीं कर सकते। ऊपर की साइड में आप गुलाब जामुन देख रहे हो, तो नीचे की साइड में भी आपको क्या देखना पड़ेगा? गुलाब जामुन की कंसेंट्रेशन ही देखनी पड़ेगी। रसगुल्ला आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते, तभी हमारा क्या बनेगा वहां पर? ग्रेडियंट बनेगा। क्लियर है यहां पर? तो इस तरीके से हम क्या कह रहे हैं, डिफ्यूजन जो है वो काम करता है। तो ये क्या हो गया? सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? जो लिपिड बायलेयर के अक्रॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट जो है, तो सबसे पहले अगर ज्यादा स्पीड से, हाई रेट से अगर हम कहेंगे कोई डिफ्यूज होता है, तो वो होती है गैसेस। तो जो गैसेस होती है वो क्या होती है? स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जो भी गैसेस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर उनका ग्रेडियंट बना हुआ है, मेम्ब्रेन की एक साइड में ज्यादा है और दूसरी साइड में कम है, तो डेफिनेटली उनका क्या होगा वहां पर? सिंपल डिफ्यूजन होगा। तो हम बात कर रहे हैं परमिटिविटी की, तो सबसे ज्यादा कौन करेगा यहां पर? गैसेस डिफ्यूज करेगी। दूसरी चीज जो है गैसेस, मतलब नॉन पोलर में स्मॉल, अब हम कह रहे हैं लार्ज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यहां पर दिख रहे, ठीक है? अब हम कह रहे कि लार्ज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफ्यूज करेंगे, तो सबसे ज्यादा कौन डिफ्यूज करेगा? गैसेस, जो कि स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद लार्ज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक फिनाइलएलानिन, टर्पीन्स, कीटोन बॉडीज, अल्कलॉइड्स, ये वाले जो है वो डिफ्यूज करेंगे। या उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कौन करेगा? उसमें हम कह रहे कि स्मॉल पोलार अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल, ये भी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा सकते हैं। इसमें है वाटर, यूरिया, NH3, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये स्मॉल है लेकिन ये भी नॉन पोलार नहीं, ये कैसे पोलार है, तो ये मॉलिक्यूल भी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर बाहर जा सकते हैं, या तो इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड। लेकिन यूजुअली ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि आयन से, या फिर जो मॉलिक्यूल्स चार्ज्ड है, पोलार है, मतलब चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स जो है, उनके लिए मेम्ब्रेन जो होती है वो इनपरमिएबल होती है। यूजुअली ऐसे मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन से पास नहीं होते, मतलब एक्चुअल में इनपरमिएबल नहीं कह सकते, लेकिन हम कहते कि यूजुअली ऐसे मॉलिक्यूल जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। हाँ, ये मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन दे इनका जो ट्रांसपोर्ट होगा वो बहुत क्या होता है, नेग्लिजिबल या ना के बराबर होता है। तो अगर आपको बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ऑर्डर पूछिए कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा परमिबल होगा या ज्यादा डिफ्यूज करेगा और कौन सा सबसे कम डिफ्यूज करेगा, आपको कोई एक क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें आपको देखना होगा। तो सबसे पहले अगर मेम्ब्रेन को इजिली कोई डिफ्यूज करता है मेम्ब्रेन से, तो वो होते हैं स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, देन आते लार्ज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, आते स्मॉल पोलर अनचार्ज मॉलिक्यूल्स, एंड सबसे लास्ट में आते कौन से? चार्ज और चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स और आयंस। क्लियर है यहां पर? ठीक है। शीतल, गेट बीटी का जो कोर्स फीस है वो है
वहां पर 20,000 टोटल, उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट चल रहा है, आप देख लीजिए एक बार IFS में कॉल करके, जो नंबर दिया आपको नीचे उसके ऊपर कॉल करिए, आपको वहां पर दिख जाएगा। यस दिया, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वहां पर जा सकता है, उसमें कोई वहां पर डाउट नहीं है। ठीक है, देन मेम्ब्रेन जो होता है इट इज सेमी परमेबल। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी परमेबल? चलो बी क्विक, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ व्हाट डू यू मीन बाय सेमी परमेबल। जो मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होता है उसका मतलब क्या होता है? यस बी क्विक, तब तक मैं ये मेम्ब्रेन निकालता हूं, और मेम्ब्रेन के एक साइड पे हमारे पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जो बहुत ज्यादा है, स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो बहुत ज्यादा है, तो हम कैसे लिखेंगे? इसका कंसेंट्रेशन बाहर बहुत ज्यादा है और यहां पर कम है, है ना। जबकि अगर दूसरा कोई एग्जांपल ले हम, तो हम ऐसा भी ले सकते दूसरा एग्जांपल ना, लेकिन इसके लिए जब अब हम निकालेंगे तो इसका जो कंसेंट्रेशन का बार होगा वो इस तरीके से नहीं आएगा, वो कैसे आएगा? ये कैसे आएगा? तो ये इसके लिए अब ऐसा आएगा। दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, आपके पास एक मॉलिक्यूल है ए और आपके पास एक मॉलिक्यूल है बी, और आप इनका दोनों का कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है, मनीषा थोड़ा सा आप अच्छे से देखिए, वहां पर वो सिलेक्टिवली परमिएबल अगर हो गया, सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब जो सिलेक्टिव आयंस को करवाता है। नई सुष्मिता देखो, कितने सारे लोगों का यही कंसेप्ट क्लियर नहीं कि सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है। गैसेस क्रॉस करेंगी, महावीर वीरसेन, यस परमिएबल टू सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स, नहीं वो सिलेक्टिवली परमिएबल होगा। अंबिका नई, निशा देखो आपका कंसेप्ट कितना गड़बड़ है, सेमी परमिएबल का कंसेप्ट गड़बड़ होगा यहां पर। तो सेमी परमिएबल का मतलब क्या, जब तक ये ग्रेडियंट यहां पर है, जब तक ये ग्रेडियंट यहां पर है तब तक ये यहां पर परमिएबल है, तब तक यहां पर से ये मूवमेंट हो रहा है। जैसे ग्रेडियंट हट जाएगा अब मॉलिक्यूल के लिए मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल नहीं होगी। तो ग्रेडियंट है तो परमिएबल है, ग्रेडियंट नहीं है तो नॉन परमिएबल है, इसको हम क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल, कभी है तो कभी नहीं है। ठीक है, अब बी का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां पर होगा? अगर मैं इसको आउट मान लू और इसको मैं अगर इन मान लू, तो इन टू आउट होगा बी का या आउट टू इन होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करके पूछ बताओ। जो बी मॉलिक्यूल है उसका ट्रांसपोर्ट जो है वो आउट टू इन होगा या इन टू आउट होगा, वो जल्दी से बताइए। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, नहीं ज्ञानी उसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं, सेमी परमिएबल का मतलब होता है अगर ग्रेडियंट वहां पर है तो परमिएबल है, तब तक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे, अगर ग्रेडियंट वहां पर नहीं है तो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे। क्लियर है? चलो इन टू आउट कह रहे अनिशा, स्नेहा, गौरवी, यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत क्लियर, बहुत समझ में आ रहा है आपको। आई एम वेरी हैप्पी दैट कि आप इतने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हो, इतनी बढ़िया तरीके से आप आंसर कर रहे हो, पढ़ रहे हो। यस यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नैंसी, नीला, सुमन, आलोक, स्नेहल, यस यू गाइज आर डूइंग रियली वेल इन दिस डिपार्टमेंट आंसरिंग क्वेश्चन, बट यू आर लैगिंग इन वन डिपार्टमेंट एंड दैट इज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लाइक नहीं कर रहे हो, इतना अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इतने अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हो, बढ़िया से आप यहाँ पर फायदा उठा रहे हो, लेकिन आप लाइक करने को भूल रहे हो। 500 लाइक अभी तो हुए नहीं, 400 मुझे यहाँ पर व्यूअर्स दिख रहे हैं और इन एंड आउट हो रहे, तो मुझे 500 लाइक क्यों नहीं दिख रहे वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे यहाँ पर। आई एम नॉट गेटिंग इट, आप मुझे समझाओ ये कैसे हो रहा है। बी क्विक 500 कर दो, चलो क्लियर है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि लाइक करो, कितनी बार मैं कहूँ।
मतलब ऐसे होना चाहिए ना कि जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूं 2 मिनट में 300 लाइक होने चाहिए, और जब भी लेक्चर बीच में आएगा 500 होने चाहिए, और खत्म करते करते अगर 100,000 कर दो लेक्चर यूट्यूब पे रहेगा, आप टेंशन मत लो। क्लियर है? वेरी गुड जेनिफर, बहुत बढ़िया किया आपने। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये देखो ये चार्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस चार्ट में, थैंक यू रेणुका, इस चार्ट में सोनिया आज क्विज नहीं होगी। यस, हमने 400 क्रॉस कर दिए। चलो जल्दी से और शेयर करो लेक्चर को, ताकि बहुत सारे लोग यहां पर आए और इस लेक्चर का, इंपॉर्टेंट लेक्चर का फायदा उठाए। अब हम कह रहे, देखो गैसेज जो है, अब एरो को ध्यान से देखो आप, ये जो गैसेज है, ये गैसेज जो है वो परमिएबल है। क्या है? परमिएबल है, यहां से जा रहे, चाहे वो CO2 हो, N2 हो, O2 हो। अब जो स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल है, स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल, उनके लिए भी मेम्ब्रेन पोलर है, परमिएबल है। देखो ना, पोलर मॉलिक्यूल भी जा रहे हैं यहां से, स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल से, लाइक इथेनॉल ये भी जा रहे हैं, यूरिया है ये भी जा रहा है, वाटर भी जा रहा है, लेकिन इनके लिए इथेनॉल की कंपेयर में स्लाइटली परमिएबल है, थोड़ा सा परमिएबल है, समझ रहे हो? लेकिन जो गैसेस है CO2, N2, O2, उनके लिए क्या है, ज्यादा यहां पर परमिएबल है। क्लियर है यहां पर? वेरी गुड, समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू मनीषा, थैंक यू सो मच, थैंक यू खुशबू फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। यस गप्पी, हमें करना ही है 1000 कुछ भी करके। क्लियर है? देखो ये हो गया, देन जो लार्ज अनचार्ज्ड पोलार मॉलिक्यूल से, लार्ज अनचार्ज्ड पोलार मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज फ्रुक्टोज, इनके लिए मेम्ब्रेन क्या है, इनपरमिएबल है। फिर भी हम ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं कैसे, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी हम ग्लूकोज का, लार्ज अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल है ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ये इसके लिए इनपरमिएबल है, फिर भी हम ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, कैसे करवाते हैं उसको भी एक बार देखेंगे। आयंस जो है लाइक पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, और जितने भी आयंस है यहां पर, जितने भी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव चार्ज हो, इन सारे आयंस के लिए मेम्ब्रेन क्या है, मतलब इनपरमिएबल है। और चार्ज्ड पोलार मॉलिक्यूल्स लाइक अमीनो एसिड्स, ATP, ग्लूकोज, 6-फॉस्फेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, इनके लिए भी क्या है, इनपरमिएबल है। क्लियर है? इन सब मॉलिक्यूल्स के लिए मेम्ब्रेन क्या है, इनपरमिएबल है। तो फिर इनका ट्रांसपोर्ट होगा कैसे, क्या ये कभी ट्रांसपोर्ट ही नहीं होंगे? इनका भी ट्रांसपोर्ट होगा, तो इनका ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, इनका ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। फिर एक बार स्टेटमेंट किया है, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किया है, लार्ज पोलार एंड चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स कैन नॉट क्रॉस हाइड्रोफोबिक लिपिड कोर। तो आप देख रहे हो यहां पर, इनके लिए स्पेशल, इनके लिए फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है, लार्ज पोलार मॉलिक्यूल है, इनके लिए फैसिलिटी डिफ्यूजन होता है। फैसिलिटी मतलब क्या, कोई और एक प्रोटीन यहां पर मेम्ब्रेन में आके लगा है, और वो क्या कर रहा है, ये ग्लूकोज पहले इनपरमिएबल था ग्लूकोज के लिए मेम्ब्रेन, लेकिन अब परमिएबल हो गया, किसकी वजह से, ड्यू टू दिस प्रोटीन। तो हम इसको क्या कहेंगे, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, क्योंकि ये किसी ने फैसिलिट किया है, और किसने फैसिलिट किया है, प्रोटीन ने फैसिलिट किया है। तो सिंपली दो टाइप का डिफ्यूजन होगा, एक होगा सिंपल डिफ्यूजन, और सिंपल डिफ्यूजन जो होगा वो अक्रॉस द लिपिड बायलेयर होगा, और जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा वो जो होगा वो किसके थ्रू होगा, वो किसी प्रोटीन के थ्रू होगा, जो प्रोटीन ने फैसिलिट किया है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब ये मुझे जल्दी से बताओ, फैसिलिटेड डिफ्यूजन प्रोसेस जो है ये एक्टिव है या पैसिव है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ, एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन। यस सुमन, वाटर कैन क्रॉस मेम्ब्रेन, फिर भी एक्वापोरिन होते हैं। आप यहां पर देखो, जो वाटर का, अगर वाटर से जो वाटर जो है जो लिपिड बायलेयर से क्रॉस करता है, तो उसका रेट जो है वो स्लो होता है। अगर आपको मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करनी है
वाटर का अमाउंट आपको कम ज्यादा करना है, रेगुलेट करना है, ज्यादा कम, तो उसलिए आपने एक्वापोरिन्स रखे, स्पेशली किडनी के अंदर, वहां पर हम एक्वापोरिन्स का फंक्शन देखते हैं, फिल्ट्रेट जो है आपको वहां पर जब सारी प्रोसेस करनी पड़ती है तो उसके लिए आपको वाटर का अमाउंट जो है वो रेगुलेट करना पड़ता है, इसलिए आपने स्पेशली वहां पर चैनल लगा के रखे ताकि हम वहां पर उसको रेगुलेट कर सके। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज, वेरी गुड, सबने पैसिव कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। यस रिधिमा, अश्विनी, लक्षणा, अमिया, बहुत बढ़िया। यस याज्ञिका, यस आशु, यस नीलेश, नमिता, बहुत बढ़िया, यस वेरी गुड। ठीक है, देन तो ये है फैसिलिटी डिफ्यूजन, तो यहां पर किसी ट्रांसपोर्टर ने कर पाया। अब ये सेकेंड डायग्राम है, इसमें भी मॉलिक्यूल जो है यहां पर हाई कंसेंट्रेशन में है और मॉलिक्यूल यहां पर लो कंसेंट्रेशन में है, और मॉलिक्यूल जो है वो लो टू कहां पर जा रहा है, हाई जा रहा है, और इसके लिए हमने यहां पर क्या यूज किया है, एटीपी को यूज किया है। जहां पर भी हम एनर्जी यूज करेंगे वहां पर ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, तो वहां पर होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये किस तरीके का ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हम लो कंसेंट्रेशन से हाइयर कंसेंट्रेशन में जा रहे हैं। इसका मतलब हम कैसे जा रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहे हैं। तो किस तरीके का ट्रांसपोर्ट है ये, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटी डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन, किसी भी टाइप का डिफ्यूजन हो, वो हम अगेंस्ट द ग्रेडियंट नहीं जाते, हम कैसे जाते, अलोंग द ग्रेडियंट जाते। तो अलोंग द ग्रेडियंट क्या होता है, यहां पर अलोंग द ग्रेडियंट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है, तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि यहां पर ये होता है। यस निर्मला, हम आगे भी पढ़ा, यस वेरी गुड, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उसको अभी हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट, फॉर लार्ज मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल वायरसेस, कुछ अलग तरीके का यहां पर हम ट्रांसपोर्ट देखते हैं या मेम्ब्रेन के पास करवा के देखते हैं। एक होता है एंडोसाइटोसिस और एक होता है एग्जोसाइटोसिस। क्लियर है, तो एंडोसाइटोसिस एंड एग्जोसाइटोसिस, अगर आप यहां पर देख रहे हो एंडोसाइटोसिस वर्सेस एग्जोसाइटोसिस का ये एक इंटरेस्टिंग इमेज, तो इसमें आप देख रहे हो एक साइड से कोई लार्ज मॉलिक्यूल, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो कोई हो, उसको अगर सेल के अंदर लिया जा रहा है, ये देखो इस तरीके से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो एक साइड से अंदर लिया, इसको हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। और दूसरी साइड से यहां पर इसमें देख रहे हो, अगर आप सेल के अंदर से कोई चीज आप बाहर निकाल रहे हो, कोई बड़ी लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स अगर आप बाहर निकाल रहे हो, तो यहां पर ठीक है, अगर आप इसको बाहर निकाल रहे हो यहां से, तो इसको हम क्या कहेंगे, एग्जोसाइटोसिस। ठीक है, तो फॉर लार्ज मॉलिक्यूल जो बहुत ही बड़े हैं, तो उनके लिए अंदर लेने का तरीका है एंडोसाइटोसिस। जो वेस्ट मटेरियल है, डेब्रीज है, जो सेल के काम का नहीं है, उनको बाहर डंप किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं एग्जोसाइटोसिस। ठीक है, अब मुझे आप बताओ, अगर सेल किसी मॉलिक्यूल को एक साइड से अपटेक कर रही है और दूसरे साइड से उसको एग्जोसाइटोस कर रही है, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जहां पर एक साइड से सेल के अंदर एंडोसाइटोस हो रहा है और दूसरी साइड से उसका एग्जोसाइटोस हो रहा है, तो सेल को ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे वहां पर, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। थैंक यू सो मच अश्विनी मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स, आई एम ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू। यस वेरी गुड प्रियंका, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांससाइटोसिस कहेंगे, नहीं फैगोसाइटोसिस नहीं कहेंगे। यस अघोष, वेरी गुड, ट्रांससाइटोसिस, बहुत बढ़िया। मेघना, सुष्मिता, सताद्रुता, बायोमेट, मुदासिर, प्रियंका, प्राची, बहुत नहीं प्रियंका, संजना, फेगोसाइटोसिस नहीं कहेंगे इसको। यस पिंटू, विश्वरूप, प्रकाश, कोनिका, बहुत बढ़िया, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांससाइटोसिस कहेंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे पैसिव ट्रांसपोर्ट, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम कह रहे ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अलोंग द ग्रेडियंट होता है। ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? अलोंग द ग्रेडियंट, ज्यादा से कम की तरफ होगा। ये थर्मोडायनेमिकली कैसा होता है? फेवरेबल होता है। और थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल मतलब वहां पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव में आता है तो प्रोसेस कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम डिस्कस करते हैं। तो अभी के लिए हम कह रहे हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है अलोंग ग्रेडियंट एंड थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल, जो कि स्पॉन्टेनियसली क्या होगा यहां पर होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू जेड एफ, और ये पूरा फॉर्मूला आपको दिख रहा है। और इसके दो कंपोनेंट इस फॉर्मूला के, एक होता है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और दूसरा होता है केमिकल ग्रेडियंट। अभी हम इसको यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार हम पूरा ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे और उसके अंदर फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो उसके अंदर हम इसको अप्लाई करके वहां पर उस चीज को डिस्कस करेंगे। अभी हमें चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है, पहले हमें पूरा ट्रांसपोर्ट समझ लेना है, सारी चीजें डिस्कस करनी है और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो नेक्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज व्हाट? डिफ्यूजन ऑफ वाटर। अब डिफ्यूजन ऑफ वाटर जो है उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। समझ रहे हो? अब ऑस्मोसिस का मतलब क्या? यहां पर ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन है, लेकिन ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस को हम क्या कह रहे हैं? इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। अब हम सॉल्यूट्स की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? वाटर की बात कर रहे हैं। और सिंपली कुछ नहीं होगा, जहां पर हाई वाटर कंसंट्रेशन होगा वहां से वाटर कहां पर मूव करेगा? लो वाटर कंसंट्रेशन। समझ रहे हो? तो जहां पर हाई वाटर होगा, हाई वाटर टू लो वाटर, उसको ही हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन ऑफ वाटर, एंड मोर अप्रोबेबिलिटी इज रेफर्ड एज वॉट? इट इज रेफर्ड एज ऑस्मोसिस। तो ये भी एक कैसी प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस है। क्लियर है? इसमें हम और एक चीज इंट्रोड्यूस करते हैं कि वाटर का जो मूवमेंट है वो हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर गड़बड़ कर देते हैं और वो मिस इंटरप्रेट करते हैं हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। बिल्कुल रटना नहीं है यहां पर, सिंपल तरीके से इसको याद रखना है, और याद भी नहीं करना है, आप कंसेप्ट समझो, आराम से आपको यहां पर समझ में आएगा। ठीक है? हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन, पहली चीज तो वर्ड्स को आप स्प्लिट करो, मैंने आपको पहले बताया था। तो हाइपो का मतलब होता है लेस, टोनिक का मतलब होता है सॉल्यूट्स। तो ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सॉल्यूट क्या है? लेस। हाइपर का मतलब होता है मोर एक्सेस, टोनिक का मतलब होता है सॉल्यूट्स। तो एक ऐसा सॉल्यूशन है, हम क्या कह रहे हैं? एक ऐसा सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या है? यहां पर सॉल्यूट क्या है? कम है। और एक ऐसा है जिसके अंदर सॉल्यूट क्या है? ज्यादा है। अगर किसी में सॉल्यूट कम है तो वहां पर वाटर क्या हो जाएगा? ज्यादा। और यहां पर सॉल्यूट ज्यादा है तो उसकी कंपेयर में यहां पर वाटर क्या होगा? थोड़ा सा कम मानते हैं। ठीक है? ऐसा कोई फॉर्म इक्वेशन होगा भी नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज को अगर समझने के हिसाब से हम यहां पर देखें, अगर आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करना है तो बस आप इतना दिमाग में रखो कि अगर वहां पर सॉल्यूट कम है तो वाटर वहां पर क्या होना चाहिए? ज्यादा। और अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो वहां पर वाटर क्या होना चाहिए? कम। किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? अगर हाइपोटोनिक को और हाइपरटोनिक को
दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें हम कह रहे हैं कि एक में सोल्यूट जो है वो कम है और वाटर ज्यादा है, और दूसरे में सोल्यूट ज्यादा और वाटर कम है। तो अब देखो, पहली बार मैंने क्या कहा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। लेकिन ऑस्मोसिस जो है उसमें सिर्फ वाटर की मूवमेंट होती है, सोल्यूट्स का मूवमेंट नहीं होता, इसलिए हम यहां पर वर्ड देंगे यहां पर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। जब तक इक्विलिब्रियम दोनों साइड में पानी बराबर नहीं होता तब तक ये मूवमेंट करते रहेंगे। तो इसको मैं और एक तरीके से कह सकता हूं कि वॉटर का जो मूवमेंट है वो होता है लेस सोल्यूट टू मोर सोल्यूट। मतलब अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इसको ध्यान से सुनिए, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में आप बोलते हो कि इसे समझ में नहीं आया, रिपीट करो, एक बार पूरा फोकस करके सुनिए मैं कह क्या रहा हूं। पहली बार मैंने कहा हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू लो वाटर कंसेंट्रेशन, अब मैं कह रहा हूं मूवमेंट ऑफ वाटर, किसका मूवमेंट देख रहे हैं, वाटर का, हम सोल्यूट का मूवमेंट नहीं देख रहे, हम मूवमेंट देख रहे हैं वाटर का। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लेस सोल्यूट टू हाई सोल्यूट कंसेंट्रेशन, जहां पर लेस सोल्यूट है वहां से वाटर मूव कर रहा है कहां पर, हाई सोल्यूट कंसेंट्रेशन है वहां पर। तो रेफरेंस किसको मान रहे, सोल्यूट को, और मूवमेंट किसका देख रहे, वाटर का। तो जहां पर लेस सोल्यूट है वहां पर वाटर क्या होगा, ज्यादा, जहां पर ज्यादा सोल्यूट है वहां पर वाटर क्या होगा, कम। तो अल्टीमेटली वाटर कहां जा रहा है, ज्यादा वाटर कंसेंट्रेशन जहां पर है वहां से वाटर, लो वाटर कंसेंट्रेशन जहां पर है वहां पर जा रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा अलग तरीके से बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, बात किस तरीके से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लो सोल्यूट कंसेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसेंट्रेशन वाटर का मूवमेंट होता है। हमने यहां पर सोल्यूट को रेफरेंस पॉइंट माना है, हम मूवमेंट सोल्यूट का नहीं देख रहे, हम मूवमेंट वाटर का देख रहे। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, वो सोल्यूट को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और वाटर का मूवमेंट पूछते हैं, तो आप वहां पर लिख देते हो हाई सोल्ट कंसेंट्रेशन टू लो सोल्ट कंसेंट्रेशन वाटर का मूवमेंट होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर वहां पर लो सोल्ट बोला है तो वाटर ज्यादा होगा और हाई सोल्ट बोला है तो वाटर कम होगा। तो इतना आपको यहां पर अच्छे तरीके से समझना होगा, क्लियर है, ठीक है, यहां तक इतनी सारी चीजें समझ में आई आपके, एस और नो, ठीक है। तो ये हमने जस्ट ऑस्मोसिस जो है वो स्टार्ट किया है। अब इसके आगे का जो पोर्शन होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, और उसके बाद ये प्लांट सेल, परजीड, ये वाला, ये पूरा जो है इसको हम डिस्कस करेंगे कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। एक बार अगर आप मेरे साइड से पढ़ोगे ना, ध्यान में रखना, लाइफ टाइम आपका कंसेप्ट कभी भूलेगा नहीं, इतने सिंपल तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे, समझ रहे हो। तो ये हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक श्रिंक कब होगी, बस्ट कब होगा, उसके बाद हमें बहुत सारी चीज डिस्कस करनी है, इसमें ग्राफ देखेंगे, ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो बाकी टॉपिक जो है इसको हम डिस्कस करेंगे कल, आज नहीं, कल उसके बाद हम एक्चुअल में आएंगे, कैरियर प्रोटीन्स, आयन चैनल्स, गेटेड, नॉन गेटेड, फिर उसमें वोल्टेज गेटेड, मैकेनिकल गेटेड, फिर ये सारी चीजें हम कल अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कल ट्रांसपोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, शार्प आपको 5 बजे 6 बजे आपको आना है, वीकेंड है, ऐसा करके आपको कोई यहां पर बंक नहीं करना है क्लासेस, क्योंकि आपको पता है ओनली लाइफ नो रिप्ले, ठीक है। तो आई होप कि कल आप आओगे, ठीक है। अभी भी अगर आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लेक्चर को लाइक करो, लेक्चर को लाइक करो, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करो और इस लेक्चर को मैक्सिमम स्प्रेड करो। अगर लेक्चर होने के 2 घंटे बाद अगर मुझे 1000 लाइक्स दिखते हैं तो डेफिनेटली मैं इस लेक्चर को यहीं पर रखूंगा, इससे कल और अच्छे समझ में आएगा आपको, इससे और इतनी चीजें आप कल पढ़ोगे ना कि आपको लगे वाह ये मतलब इतना ईजी टॉपिक है, हम इसको मतलब बिना काम का डिफिकल्ट बना रहे थे, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, बस आप इसको आराम से समझने की कोशिश करो। मोस्ट वेलकम प्रियंका, गेट की बैचेस हमारी 5 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, 25% डिस्काउंट है, आपको आराम से यहां पर क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है।
यस अश्विनी मैम, कल पूरा इसको डिस्कस करेंगे. थैंक यू रिया शर्मा, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स. ठीक है, ट्रांससाइटोसिस का मतलब होता है एक साइड से एंडोसाइटोसिस, दूसरे से एक्सोसाइटोसिस को हम कहते हैं ट्रांससाइटोसिस. आकाश, फैगोसाइटोसिस का मतलब कोई सॉलिड मटेरियल को आप एंगल्फ कर रहे हो, कोई सेल. फॉर एग्जांपल, अगर मैक्रोफेज ने बैक्टीरिया को एंगल्फ कर दिया तो उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस. किसी सॉलिड चीज को एंगल्फ करना मतलब होता है फैगोसाइटोसिस. मोस्ट वेलकम मेघना. प्रियंका, अभी तक सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ है, अभी बहुत सारा बाकी है. थैंक यू सोनल फॉर योर बेस्ट वर्ड. यस, वेरी गुड. लेट्स ग्रो टूगेदर, लेट्स ग्लो टूगेदर. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. मोस्ट वेलकम समरीन. गुरु कन्या, क्विज जल्दी होगी, थोड़ा सा पढ़ाने दो मुझे टॉपिक, तभी तो क्विज करेंगे ना, अभी तो पढ़ा ही नहीं. मोस्ट वेलकम प्रांशु सर. मोस्ट वेलकम दिगेंद्र. यस अर्चना, वेलकम अर्चना. वेलकम संजू. थैंक यू अश्विनी. यस वेलकम मृणाल. यस पीडीएफ, पीडीएफ गप्पी, पीडीएफ जो है वो जल्दी से वेबसाइट पर अपलोड होंगे. यस मुदासिर, वेलकम मुदासिर. वेलकम शीतल. वेलकम ज्योति. वेलकम प्रियंका, शशि, एनजी, अरिजीत, प्रतीक, आकाश, काजोल. वेलकम सविता, ज्योत्सना, नीलम, अभिनवा. जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है वो लोग एक बार लाइक करके जाओ दैट टाइम. चैनल अभी भी अगर आपका सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करो. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लेक्चर को शेयर करो. सिर्फ 2 घंटे लेक्चर अवेलेबल होगा, उसके बाद ये लेक्चर आपको यूट्यूब पर नहीं दिखेगा. तो आपके फ्रेंड्स को ये इंपॉर्टेंट टेक्निक जो है वो समझ में आए, इसलिए आप इसको शेयर करो. वेलकम चंचल, समाधान, इमानी, जागृति. यस नीलिमा, वेलकम. हर्षा, आफशा, रुकु, नमिता, जसप्रीत. जेनेटिक्स का हमने अभी सोचा नहीं है लेकिन देखेंगे. अभी तो पहले हम सेल बायोलॉजी को पढ़ते हैं, बार बार जेनेटिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं. पहले हम सेल के ऊपर फोकस करते हैं, सेल बायोलॉजी अच्छे समझेंगे, मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग हमें अच्छे समझ में आएगी, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये 3-4 चीज़ें हमें अच्छे समझ में आएंगी तो हम जेनेटिक्स को कनेक्ट कर पाएंगे. थैंक यू गप्पी, थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन. आप हमारे साथ एनरोल हो जाओगे तो डेफिनेटली और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी क्लियर होंगे. और एक बार आप आईएफएस में आते हो तो खाली हाथ तो लौटने के चांसेस बहुत कम है, कुछ ना कुछ आईएफएस से आप लेके ही जाओगे. सीएसआर नेट का बैच स्टार्ट हो चुका है शालू, 5 सितंबर से और एक सीएसआर का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है. निलेश, लेक्चर खूप छान झालं. हो, तुम्ही सगळे असल्यामुळं खूप भारी झालं लेक्चर, मला पण खूप चांगलं वाटलं. निलेश, तुम्ही असाच रिस्पॉन्स करत राहा, आपण अजून चांगलं करूयात. यस दिव्या, थँक्यू, मोस्ट वेलकम. थँक्यू दिव्या फॉर अप्रिशिएशन वर्ड्स. यस वेलकम अंजू. कोई डाउट होगा तो भी आप आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. अश्विनी मैम, मैंने ऐसा नहीं कहा, ये आप कह रहे हो. बड़े मुश्किल से लाइक आ रहे हैं, वो भी मुझे कन्वर्ट नहीं करने हैं बिल्कुल भी. ये रिस्क मैं नहीं ले सकता अश्विनी मैम. जसप्रीत, यू हैव वेरी बिग मिसकंसेप्शन दैट जेनेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट.
द मोस्ट सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ साइंस इज जेनेटिक्स. जसप्रीत कौर, रिमेंबर दैट जेनेटिक्स जो है उससे सिंपल यूनिट कोई है ही नहीं. जो मुझे सबसे सिंपल लगती है वो जेनेटिक्स है. मोस्ट वेलकम कोशार, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स. राकेश, कौन सी हार्ड लग रही है आपको यूनिट? नहीं नहीं नहीं, मुझे सबसे इजी लगती है वो है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स मुझे सबसे इजी लगती है. किसने कहा सेल बायोलॉजी इजी है? अगर सेल बायोलॉजी इजी है तो आप इतने आंसर्स गलत कैसे कर रहे हो? मोस्ट वेलकम पल्लवी, थैंक यू. उत्तरा, थैंक यू. ली मिन हो, ओके. मानस, बुक पढ़ाते टाइम जो है डायग्राम को अच्छे से एनालाइज करो और बस पढ़ के आगे मत जाओ. सोचो हर एक सेंटेंस पे ऊपर क्या कहना चाहता है वो सेंटेंस. खुद का दिमाग लगाओ वहां पर. दिमाग मतलब सोचो कि वो सेंटेंस क्या कहना चाहते हैं, उसके पर्सपेक्टिव देखो क्या क्या है. और हर लाइन के बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछो, ये लाइन क्यों दिया है. डिटर्जेंट जो है डिस्टर्ब, और डिटर्जेंट इज यूटिलाइज फॉर आइसोलेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन. तो सोचो दिमाग में डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से काम करता होगा वो, कैसे वहां पर जाता होगा, कैसे प्रोटीन को बाहर निकालता होगा, ये पूरा इमेजिन होना चाहिए. हर एक सेंटेंस के बाद पॉज लो, सोचो कि ये सेंटेंस क्यों दिया गया है. नहीं समझ में आ रहा तो अगली लाइन पढ़ो, एक पूरा पैरा पढ़ो. हो सकता है कि एक लाइन समझ में, पूरे पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा. हाँ हर्षा, हाँ थोड़ा बहुत मराठी आता है मुझे, थोड़ा बहुत मैं बोल लेता हूँ, ज्यादा तो नहीं आता लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है. रेणुका, कल मॉर्निंग में कोई भी क्लास नहीं है, कल सिर्फ इवनिंग में एक ही क्लास है और वो हमारी अपनी सेल बायोलॉजी की क्लास है. थैंक यू शशि. ओ दैट इज अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर मी अश्विन मैम, वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट, आई एम ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू. कल और आज के लेक्चर बेस्ट ऑफ ऑल लेक्चर्स. थैंक यू मुदासिर परे. कल मॉर्निंग में गुरु कन्या कोई क्लास नहीं होगा, कल सिर्फ इवनिंग में एक ही क्लास होगी और वो अपनी सेल बायोलॉजी क्लास होगी. और कल हम ट्रांसपोर्ट पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू उत्तरा. यस पल्लवी, उद्या पण तुम्हाला खूप चांगलं समजेल. ठीक है, चलो तो फिर कल मिलते हैं शाम 6 बजे शार्प, उसके पहले भी आ सकते हो. ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल. यस जेनिफर, थैंक यू, थैंक यू सो मच. चलो फिर मिलते हैं कल. कुछ भी डाउट होगा तो आराम से पूछ लो. यस ठीक है, तो चलो.